इंडिया में ऐसी फिशेज भी मिलती हैं, आप देखो एक बार जरा इसका। तो अगर आप देखोगे ये वही वाली जगह है जहां पर पहले बहुत सारा पानी भरा हुआ था, यहां पर पूरा उधर तक पानी भरा हुआ था, अब पूरा सूख गया है। और जितनी भी मछलियां थी इस पूरी जगह पर वो इन छोटे दो तालाबों में आ गई हैं और वो वहां पर लगे हुए हैं मछलियां पकड़ने। जैसे कि मैंने आपको बताया, जितनी भी कैटफिश हैं, जितनी भी मांगूर हम पकड़ेंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे। क्योंकि पहले वाला वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी सीनियर लोगों ने बोला कि आई शुड नॉट लीव देम बैक, तो हाँ मैं जैसा कि उन्होंने बोला मैं वैसे ही करूँगा। तो हम कैटफिश को वापस नहीं छोड़ेंगे, बाकी हमारे पास बहुत ही सुंदर सुंदर आज गुरामी हैं जो कि पकड़ी हैं, एंड इट्स ब्यूटिफुल मैन। और मेरे पीछे देखो आप, ये तो अभी एक दो दिन में ये दोनों भी सूख जाएंगे। और जितनी भी इनकी मछलियां हैं उनको आसपास के पक्षी यहाँ पर जितने घूम रहे हैं वो यहाँ पर आके उनको खा लेंगे। तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दूर दूर तक कुछ नहीं है यहाँ पर। और इन्होंने अभी जाल फेंका है तो देखते हैं इसमें क्या निकला है। ओए देखो, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था ये इतनी सारी हैं, हर जगह ये भरी ही पड़ी हैं, और इसमें जितनी घास है उसमें मछलियाँ ही मछलियाँ घुसी हुई हैं। इतने सारे ये वाटर बग्स घूम रहे हैं, इतनी सारी है ये। जैसे मर्जी मारो भाई, बहुत बढ़िया मारा, बहुत बढ़िया। टाइगर गुरामी भी आ गई तेरी। अब यार अब मांगुर भी आ गई बहुत सारी। अब जल्दी आता है कम पास लेके जाओ भैया, कैमरामैन चाल लो आपके साथ। जैसे ही देख सकते हो गाइस। अरे यार तुम बकचोदी करते ही रहना। अरे बाल्टी तो लाओ। बहुत सारी है बे। बड़ी है, थोड़ी है ना पहले से। भाई ये ले मांगूर को नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारी है, सिंगी आराम से पकड़ना है ना। सो ये मांगूर है, सिंगी है, मांगूर तो चाहिए। कीचड़। और मैं इसको धुल के दिखाता हूँ आपको। भाग गई लोग। बहुत सारी है भाई, कितनी बड़ी रहता है। सो एवरीबॉडी आप ये देखो, ये है एक मेल और यहाँ पर उसके बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर ये अभी कुछ घंटों में ये वाला जो छोटा सा तालाब बना हुआ है ये सूख जाएगा और ये सारी फिशेज ऑलरेडी मर जाएंगी। और भाई ये कितना ज्यादा सुंदर है। चलो कुछ तो शायद से निकला है। वो। अरे वाह, तो ये इंडियन फ्लाइंग बार्ब, आई कुड सी वन इंडियन फ्लाइंग बार्ब। अरे इसमें तो सारी एक्वेरियम वाली मछलियां ही हैं, मतलब लिटरली। सो एवरीबॉडी, एक और हमें मिल गई। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, कुछ हद से ही ज्यादा फिशेज है। तो अब यहाँ पे आप देखो, एक मेल है और एक फीमेल है, ये डिफरेंस होता है। और यहाँ पर आपको मैं और दिखाता हूँ, एक बार देखो जरा ये। वाह यहाँ पर तो मतलब कमाल ही हो गया है। और ये जितनी ये वाली कैटफिश है ना, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मांगूर और इंग्लिश में इसको अफ्रीकन कैटफिश बोलते हैं, अफ्रीकन वॉकिंग कैटफिश। इसको हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये यहाँ की मछली नहीं है और ये यहाँ पे इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। ये यहाँ के और जानवरों को और जो पौधे हैं उनको खा जाती हैं और पूरा इंडियन वाइल्ड लाइफ जो है वो सफर कर रहा है इन मछलियों की वजह से। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी हैं ये यहाँ पर, मतलब जहाँ भी आप देखोगे यू विल सी देम ओनली। हम इनको नहीं छोड़ेंगे वापस क्योंकि ये एक छोटा सा ना हमें थोड़ा सा डायरेक्शन मिला है। ओए अरे ड्रैगन फ्लाई लग रही। अरे अरे प्रेइंग मैंटिस नहीं, मैं व्हाट इज दिस, हमारा वाइल्ड इंडियन डर रहा है। मुझे डर नहीं रहा, मैं एक चीज देख रहा था। व्हाट इज दिस, ये कोई कीड़ा है। धूप में दिखा फोकस करके, ये कोई कीड़ा है जो कि पानी में रहने वाला ही। ओ फक, ये जिंदा है भाई। हो हटो,
मुझे भी लगा क्या एक सेकेंड जरा आई डोंट नो वट कीड़ा इज दिस अगर आपको आइडिया है तो प्लीज बताना शिकारी लगता है ये कोई और उसके मुंह से पता लग रहा है कि ये मछली पकड़ता है सो आई डोंट नो ये क्या है आई विल जस्ट लीव हिम ओवर हियर लो बाल्टी लेके और यहाँ पर हद से ज्यादा मछलियाँ ओही रुको फक यार ये कुछ ज्यादा ही हो गई है जल्दी करो और पकड़ते इसके कलर ग्रीन और रेड और वो सब दिख रहे हैं एंड इट्स वेरी गुड मैं इसको डालता हूँ बाल्टी में तो हमारे बहुत सारे लोग फैले हुए यहाँ पर वो गोला जाल डाल रहा है वहाँ पर वो आई डोंट नो उस जाल को क्या बोलते हैं वो मच्छरदानी जैसा जो होता है पर उसको वो डाल रहे हैं और मैं यहाँ पर ये मेरा नया नेट इस नेट के साथ मैं यहाँ पर जा रहा हूँ ये हर जगह ना यहाँ पर मछलियाँ ट्रैप हुई हुई हैं मतलब कि मछलियाँ आ जाती हैं बहकर उनके बच्चे बहकर आ जाते हैं और फिर आसपास का पानी सूख जाता है वहाँ पे नदी है ये पूरा कनेक्टेड था तो बीच में ये पानी सारा सूख गया तो जो सारी मछली थी गुरामी का साइज ओह शिट अच्छा उसने कुछ पकड़ा है अरे मेरी चप्पल टूट गई मैं भाग नहीं पा रहा मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं अरे यार वाह ये है कमाल अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे इतनी सारी फिशेस हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल यहाँ पर है बाल्टी धरला करे जा रहे हैं बस क्योंकि इतनी सारी फिशेस हैं यहाँ पे तो डोंट वरी हम तो यहाँ पर ही इतने सारे बच्चे हैं और भी पता नहीं अनगिनत कितने सारे होंगे हम हर किसी को तो बचा नहीं सकते तो इनको उठा के हम मेन वाली जो नदी है उसमें डाल देंगे और इसमें से कुछ फिशेज हैं जो कि मैं लेकर जाऊंगा और जो हमारा छोटा नैनो प्लांटेड टैंक है उसमें रखेंगे और हमने कुछ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर फिशेज पकड़ी हैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड जल्दी से घर पर लेकर जाने के लिए और उनको डालूंगा उसमें और ये हमारे पीछे बेचारे लगे हुए हैं कपड़े वपड़े उतार के और हाँ इट्स गुड ओवर हियर आप मेरे पीछे देखो यहाँ पर ये सारा पानी बीच बीच में इकट्ठा हुआ हुआ है और उनमें ही मछलियाँ इकट्ठी हुई हुई यहाँ पर मुझे अभी एक भाई आए हैं यहाँ पर जो कि मछुआरे हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्नेकहेड्स भी हैं हमारा ट्रैप अभी भी वहाँ पर है जिसको हम जाते हुए निकालेंगे यू नो सो यस हियर वी गो एंड वी कंटिन्यू तो यहाँ पर एक ना क्रेस्टेड किंगफिशर आसपास घूम रहा है हमारे और इतना सुंदर होते हैं ब्लैक व्हाइट और उनके ऊपर ना ऐसे क्रेस्ट होता है क्रेस्ट का मतलब ऐसे ताज होता है सर के ऊपर बहुत ही सुंदर है वो छोटी छोटी मछलियाँ लेकर जा रहा है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल यहाँ पर हमारे दो नंगे शिकारी आ गए हैं जाल लेकर आज मेरे पास ये है अरे ये निकल गया क्या है बताइए सेवा तो यस अरे देखना यहाँ पे अगर उधर की साइड हम जाएं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमाल हो सकता है ट्रैप अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर हम अंदर चारा डालेंगे इस जगह और यहाँ पर कोई भी फिश यहाँ से और यहाँ से आएगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो अभी इसमें हम थोड़ा सा चिकन डालेंगे और उसके बाद उसको यहाँ पर बांध कर छोड़ने वाले हैं देखते हैं क्या आता है क्या नहीं ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी जगह है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी है अभी देखो हम जाते हुए जो हमने ट्रैप लगाया है उसको जाते हुए हम चेक करेंगे लेट्स सी उसमें क्या आएगा आई होप कि एक थोड़ी सी बड़ी स्नेक हेड या फिर कोई बड़ा कुछ है लेट्स सी काफ़ी अलग अलग पीसीज तो देखने को मिल गई हैं आज इंडिया में ऐसी फिशेज भी मिलती हैं आप देखो एक बार ज़रा इसका कलर अगर आप देखोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और इनको अमेरिकन और अफ्रीकन फिशेज बता के भेज दिया जाता है और आप बिलीव करोगे ये इंडियन वाइल्ड फिश है बताओ मतलब वेरी ब्यूटीफुल मैं इसको जल्दी से डालता हूँ बाल्टी में और बहुत सारी हैं यहाँ पर ये एक और इंडियन फ्लाइंग बार्ब वेरी ब्यूटीफुल फिशेस थोड़ी सी बुरी हालत है कुछ ही आई गेस ये एक आधे महीने में ही ये सूख जाएगा
है ना, एक आधे महीने में ये सूख जाएगा और फिर ये सारी मछलियाँ। हाँ, और यहाँ पर आसपास बर्ड्स इतने सारे हैं ना कि वो खा ही लेते हैं उनको। पकड़ा कुछ? हेलो, कुछ भी नहीं आया भाई। हैगी एक कोने में हैगी। अच्छा चलो, ओए बोनी हो गई बोनी। चलो एक तो आ गई, और ये तो मुझे लग रहा है ये चारे की वजह से नहीं है, तो यूं ही आ गई भटकती हुई बेचारी। मुझे लग रहा था कि स्नेक हेड आ जाएगी, पर स्नेक हेड तब आती है जब बहुत सारी मछलियां ऑलरेडी अंदर हो और फिर उनका शिकार करने वो आए। हमारे पास एक है बहुत सुंदर सी फीमेल गुरामी। सो एवरीबॉडी लुक एट दिस, बहुत ही सारी फिशेज, क्वाइट ब्यूटीफुल। ये मेरी चप्पलों के साथ ये फिशेज है। अब सब कुछ हो गया, वी आर गोइंग बैक फाइनली। आता हूँ, ये पूरा दलदल है यहाँ पर, वहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक दलदल है, जिसकी वजह से मेरे पैरों की भी वाट लग गई है। और ये वो फिशेज हैं हमारे पास जो कि हम रिलीज करने जा रहे हैं। इसमें से कुछ फिशेज हाँ ऑब्वियसली हमें रखनी है। और देखो आप वो सबसे आगे जो बंदा देख रहे हो जो ब्लैक टी शर्ट में है, इतना दूर है यहाँ से नदी, जो इतनी दूर नदी है वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर बुरी हालत। तो हाँ फाइनली इन मछलियों की जान तो बचेगी और हमें कुछ एक्वेरियम के लिए अच्छी फिशेज भी मिल गई। जो लोग कह रहे हैं कि इनको कैद में रखोगे आप या फिर ऐसा कुछ, डोंट वरी, ऑल दो आई डोंट रियली केयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप कैद में क्यों रख रहे हो इनको और ऐसा कुछ, पर डोंट वरी, यहाँ पर इनकी लाइफ अनसर्टेन है। मेरे अगर जब ये टैंक में जाएंगी तो इनको बहुत मजा आएगा वहां पर, यू नो ये खूब एकदम चिल करके रहेंगी। और होपफुली अगर ये ब्रीड कर देती हैं तो मैं इनके बच्चे यहाँ पर रिलीज कर दूंगा, या फिर अगर किसी को चाहिए होंगे तो आई विल गिव इट टू देम। ब्यूटीफुल कलर्स दे हैव मैन, मतलब मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है उनको एक्वेरियम में रखने के लिए, बिकॉज आई वांट टू सी कि वो कैसे लगेगी। सो यस हियर वी गो, आप देख ही सकते हो कितनी मेहनत लगती है काम करने में। सनसेट होने वाला है अभी 2 घंटे बाद, तो इट्स ऑल ब्यूटीफुल हियर। यहाँ पे घास है ही घास है। तो हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारी फिशेज जैसे कि आपने देखी होंगी, यू कैन सी वी आर जस्ट गोना रिलीज देम ओवर हियर। यहाँ पर ये नॉर्मल वाली स्नेक हेड है, इसमें 2-3 वैसी वाली स्नेक हेड भी थी जो कि काफी रेयर सी थी। ये सारे गोरामी के बच्चे हैं और मैं आई एम मेकिंग श्योर कि ना मैं कोई कैटफिश वापस रिलीज ना करूं, क्योंकि कैटफिश हम रिलीज नहीं करेंगे जैसे मैंने बताया था पहले भी। ये सिम काटना पड़ेगा। और ये वाली जो है ये मैं नहीं लेके जाऊंगा, ये मैं अपने पास रखूंगा। नाइस, इन सबको हम रिलीज करेंगे। इनमें से काफी मछलियां हैं जो कि एक्चुअली में लकी हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वहां पर तालाब सूख जाता और ये मर जाती बेचारी। और स्नेल को भी मैं लेके जाऊंगा। ये कैटफिश बहुत सारी, कैटफिश को नहीं करेंगे हम रिलीज। एंड यस वी गोना गो नाउ। और वो वाली जो मछलियां हैं वो जो अभी बड़ी वाली गोरामी है वो बाल्टी में ही है, और अभी घर पे चलते हैं। अभी यहाँ से घर पे जाने में भी टाइम लगेगा, तो थोड़ा फ्रेश पानी भर लिया है हमने, सो लेट्स गो एंड सी क्या होता है। हमारा यहाँ पर एक्वेरियम और हम इसमें से अभी थोड़ा सा पानी निकालेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये करना। और इस पानी को निकाल कर हम डालेंगे हमारा जो फिशेज वाला पानी है। ये काम आपको काफ़ी बार करना पड़ेगा, या फिर आप इसमें एक छोटा सा ऑक्सीजन वाला जो पाइप आता है वो भी लगा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे और इसमें जितना ज़्यादा टाइम लगाओगे आप उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है, पर जस्ट मेक श्योर कि पानी में ऑक्सीजन रहे। पानी में ऑक्सीजन काफ़ी अच्छे से है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छे से फ्रीक्वेंट वाटर चेंजेस वगैरह कर रहे थे,
तो अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी जो भी फिश आप लाए हो वाइल्ड वाली फिश सर्वाइव नहीं करती एक्वेरियम में, अगर आपने सीधे डाल दी तो बिल्कुल ही नहीं करेगी। So yeah, you can see fishes are chilling quite a bit. मैं काफी ज्यादा डिस्टेंस से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पास जाऊंगा तो ये फ्रीक आउट हो जाएंगी। वाइल्ड कॉट फिशेस को बहुत ध्यान से रखना होता है और ये जो स्नेक हेड है इसने अभी मेरे सामने दो गुरामी के बच्चों पर अटैक कर चुकी है ये, और अब काफी सही है ये, मतलब गुरामी ऊपर वहां पर वुड के पास तैर रही है और नीचे कईयों ने घर भी बना लिया है। इट्स गुड, थोड़े टाइम में आई गेस इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊंगा एंड दिस इज गोना लुक वेरी ब्यूटीफुल।